एंड आर नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स आर गेटवे टू द पास्ट। अब हम इसमें बात करेंगे टूल्स के बारे में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो इस एज में हम बात कर रहे हैं स्टोन एज के बारे में, जिसे हम लोग द ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। तो इसमें जो अर्ली ह्यूमंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, और ये जरूरी नहीं है कि वो जिन टूल्स का इस्तेमाल करते थे तो वो उन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ शिकार करने के लिए करते थे, उसके अलावा वो प्लांट्स को कट करने के लिए, उनको शेप देने के लिए, और कई बार वो अपने लिए झोपड़ी बनाने के लिए भी इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इससे उनको लकड़ियों को काटने में भी हेल्प मिलती थी। टू लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर अबाउट द अर्ली मैन वी लार्जली डिपेंड अपॉन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आपको पता है अर्ली ह्यूमन मैन के बारे में कुछ भी जानने के लिए हमें सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में हमें बताते हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के बारे में हमारे पास कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कोई स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में अगर हमें कुछ भी जानना होता है तो वो जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ता है। तो उसी तरह से जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में तो हमारे पास रिटन सोर्सेज अवेलेबल है, तो उसकी जानकारी तो हमें मिली जाती है। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्ली ह्यूमंस की, और अर्ली ह्यूमंस का आपको पता है वो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे, तो उनके लिए तो अगर हमें कुछ भी जानना है तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कोई स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टूल्स यूज बाय द हंटर गैदरर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम। जो टूल्स इस्तेमाल करते थे जो आदिवासी थे, आदि मानव थे सॉरी, जो हंटर गैदरर्स थे, उनके बारे में जानकारी के लिए हमें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन टूल्स से मिलती है। टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, बार्क्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज। जो टूल्स वो बनाते थे कुछ उनमें से स्टोन्स पत्थरों के बनते थे, कुछ बोन्स हड्डियों के बनते थे, और कुछ वो टीथ का इस्तेमाल करते थे, जो एनिमल्स हैं उनकी हड्डियों का और उनके टीथ का इस्तेमाल करते थे। जो ट्रीज है उनकी जो ऊपर वाली बार्क होती है, जो ऊपर से स्किन होती है, खाल होती है, और जो उसकी जड़ें होती है वो उनका इस्तेमाल करते थे टूल्स को बनाने में। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड वी हैव एविडेंसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स यूज्ड बाय द अर्ली पीपल। They used tools such as hand axes, scrappers, bag knives, small choppers, picks, points and borers to name a few. जो tools वो इस्तेमाल करते थे उन tools की different different techniques वो इस्तेमाल करते थे किसी भी tool को बनाने के लिए, और उन tools के names थे hand axes, scrappers, bag knives, etc. इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो अर्ली मैन है वो टूल्स बना रहा है, और वो टूल्स का इस्तेमाल किस चीज से बना रहा है, उनको जो एनिमल टीथ है, एनिमल स्किन है, सॉरी एनिमल बोन्स है, उसके अलावा जो उनके पास ट्रीज है, ट्रीज के बाग हैं और उसकी रूट्स है, उसका इस्तेमाल करके वो इनको शेप दे रहे हैं, और उसका इस्तेमाल वो ना सिर्फ हंटिंग में करते हैं बल्कि वो अपने और पर्पस के लिए भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो उन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, बनाते थे, और टूल्स को बनाने के लिए वो किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, अब हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। द टूल्स वर मेड बाय मेजरली थ्री टेक्निक्स। फर्स्ट इज स्टोन ऑन स्टोन, सेकंड वन इज प्रेशर फ्लेकिंग, एंड द थर्ड वन इज फ्लिट नैपिंग। स्टोन ऑन स्टोन, द कोर स्टोन फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड। द हैमर स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ द फ्लेक्स फ्रॉम द कोर स्टोन टिल द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज वॉज ऑब्टेन्ड। एक पत्थर से वो शेप बनाने के लिए वो हथौड़ा बनाते थे, पत्थर से ही बनाते थे, ताकि वो उन पत्थर से दूसरे पत्थर को तराश सकें, और जब वो उसको अच्छे से रगड़ते थे, तराशते थे, तो उनको जो शेप और साइज चाहिए था वो उनको मिल जाता था। प्रेशर फ्लेकिंग, द कोर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन द फर्म सर्फेस ऑन ग्राउंड। द हैमर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन अ बोन और स्टोन रेस्टिंग ऑन द कोर स्टोन। फ्लेक्स वर रिमूव फ्रॉम कोर स्टोन इन दिस मैनर एंड देन शेप्ड इन टू tools and flint napping, the rock was stuck in a particular way causing the flakes or chips to come off, then the spear point was carved out of it. Pressure flaking में वो एक तरफ से जो हैमर होता था उस हैमर को डालकर वो ऊपर से इस प्रोसेस में जो स्टोन ऑन स्टोन प्रोसेस था इसमें तो वो सिर्फ पत्थर से ही टूल्स बनाते थे, लेकिन प्रेशर फ्लेकिंग में वो बोन से टूल्स बनाते थे, और फ्लिंट नैपिंग में जो वो ट्रीज की जो हमारे पास बार्क और उनके रूट्स होते थे उनका इस्तेमाल करके वो टूल्स बनाते थे। So here is your practice on one. Were the stone tools used only for hunting? If not, write a few other probable uses of the stone tools for early human. आपको बताना है कि जो stone tools हैं वो खाली hunting के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, अगर नहीं तो आपको बताना है कि और क्या इनके probable use हो सकते थे। Question number 2.
Imagine and write your views on the societies and lives of people belonging to prehistoric times. आपको ये imagine करके बताना है कि जो prehistoric time periods पर early humans रहते थे, वो जब वहाँ पर रहते थे तो वो किस तरह की life का इस्तेमाल करते थे, वो अपनी society में कैसे रहते थे, उनकी lives कैसी थी, even उनका जो hunting का process था वो कैसा था. आपको ये इसमें explain करना है.